को वापस लेने व किसानों की जीत को लेकर कांग्रेस ने भी कमला नेहरू भवन पार्टी कार्यालय पर खुशी जताई और गांधी पार्क में पैदल मार्च किया। कृषि कानून बिल वापस लेने को लेकर कांग्रेस भी श्रेय लेने में जुट गई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों ने यह तय कर दिया, गांधी के देश में गांधी की विचारधारा भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि किसानों और कांग्रेस के संघर्ष के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उन्हें तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब यह जिम्मेदारी कौन लेगा कि जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपनों को खो दिया, केंद्र सरकार आगे आए, जवाबदेह बने और उनकी जिम्मेदारी ले। आज ये साबित हो गया गांधी के देश में गांधी आज भी जिंदा है। इस बिल के खिलाफ हमारे देश के अन्नदाता गांधीवादी तरीके से आंदोलित रहे और उस गांधीवादी विचारधारा के तहत इस गूंगी बहरी जुल्मी सरकार को मतलब हरा दिया। इस कानून को उनको वापस लेना पड़ा, इसलिए साबित होता है इस गांधी के देश में आज भी गांधीवादी विचारधारा जिंदा है। हम कांग्रेस जनों के तमाम पूरे देश और प्रदेश में उसी गांधीवादी विचारधारा के तहत इस कानून के खिलाफ आंदोलित रहे, आज सरकार को झुकना पड़ा। इस विजय दिवस के रूप में आज सारे लोग हम जुलूस निकाल करके उन वीर किसानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी थी उन्हें भी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और इस सरकार को ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था। आज जो सैकड़ों से अधिक जाने गई उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही कौन लेगा? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आकर के चैनलों पे बताया कि मैं कानून वापस लेता हूँ, उसी तरीके से उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए उन किसानों की जो अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, कि मेरी वजह से उन किसानों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, उन्हें के खिलाफ वैधानिक तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए। सर माननी चाहिए नरेंद्र मोदी को।